पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन दबाएं। सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशि लोधी है। मैं 2 साल पहले इसमें पिरामिड सोसाइटी का एक कार्यक्रम में आई थी, तो वहाँ से मुझे मेडिटेशन के बारे में मालूम पड़ा। उस समय मेरे बेटे के एग्जाम्स चल रहे थे, तो जब मुझे उन्हें बताया गया कि ऐसे मेडिटेशन करने से आपको यानी कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें यानी कि आपको फ़ायदा होता है इससे, तो मेरे बेटे के लिए मैंने उस समय शुरू किया, एज अ ट्रायल मैंने उस समय किया। लेकिन जब उसे एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने पिरामिड कैप बिठा के, वो बैठता नहीं था बिल्कुल भी, तो पिरामिड कैप पहना के उसको बिठा के पढ़ाई करना शुरू किया। उस ईयर उसने इतने अच्छे से पढ़ाई किया और क्लास में फर्स्ट रैंक आया उसका। तब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेडिटेशन के बहुत यानी कि सिर्फ सुनने के बाद हमको नहीं समझ में आता है, जब हम करते हैं प्रैक्टिकली तभी हमें मालूम पड़ता है मेनली कि क्या क्या फ़ायदे हैं। उस समय से हम दोनों ने रेगुलर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, मैंने और मेरे बेटे ने। उसी समय मेरे को थोड़े बोन्स के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे शरीर में, जो मेरे घुटने थे उसमें ऑस्टियोपोरोसिस करके जो ये डिजीज़ है वो हो गया था। एक्सरे निकाला तो डॉक्टर बोले कि नहीं, आपका जो अंदर का हड्डी है वो पतला हो गया है, जीज गया है इस तरह से, तो आपका मे बी हो सकता है फ्यूचर में आपको ऑपरेशन भी करना पड़े। और मैं चलते चलते मेरा पैर अकड़ जाता था, मैं चल नहीं पाती थी, थोड़ा सा दूर गई ना तो मेरा पैर अकड़ जाता था। ठीक है, फिर मुझे जोशी सर ने बताया कि नहीं, आप रेगुलर मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से आपको जो भी डिजीजेज हैं आपके शरीर के वो पूरी तरह से चले जाएंगे। मैंने एकदम पूरे 100% विश्वास कर लिया और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। उसके बाद में जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, धीरे धीरे करके मेरे जो हड्डियाँ दर्द होती थी वो दर्द होना बंद हो गई। उसके बाद में जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन बढ़ाते गई, तो जो भी बोन्स के मेरे प्रॉब्लम्स थे, जो कुछ भी था जैसे अकड़ जाते थे मेरे बोन्स, वो बोन्स अकड़ना बंद हो गए। और बाद में कुछ करीब 1 महीने तक जो मैंने कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया, 40 डेज बोला था मुझे करने को, 40 डेज, और जितना मेरे एज है 40 ईयर्स है, तो 40 डेज मैंने मेडिटेशन किया, तो मेरे जो भी बोन्स के जो भी पेन था, जो कुछ भी होता था मुझे दर्द, वो पूरी तरह से चला गया। और उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद ही वहाँ पे ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ था, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वहाँ जाना ही है। मेरा रिजर्वेशन नहीं कराया था मैंने, कुछ भी नहीं कराया था, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी हुई थी। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था उस दिन कि मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड ने अपने आप ही रिजर्वेशन निकल कर दिया है मुझे, मेरा वेटिंग रिजर्वेशन था, एंड मोमेंट में कन्फर्म हुआ और मैं ऋषिकेश महाकुंभ में जाके आई। और उसके बाद में जो वहाँ पे महातर बाबा जी की गुफा में भी हम इतने चढ़ाई करके हिमालय में वहाँ पे भी जाके आए, मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैं मेडिटेशन करना शुरू किया, तब से मैं बहुत काम हो गई, हर चीज़ का जो देखने का नज़रिया होता है वही पूरी तरह से बदल गया है, हर पर्सन को देखने का नज़रिया। हम पहले ऐसा रहता था कि यार किसी ने कुछ अच्छा पहना है या कुछ अच्छा कर रहा है, तब तो थोड़ा सा जेलसी होता था, फील होता, लेकिन एक बार मेडिटेशन करने के बाद नहीं, जो कुछ भी सामने वाले को हम अलग तरीके से देखने लगे, नज़रिया एकदम पूरी तरह से नज़रबाज होगा। कभी हम गुस्सा नहीं आता किसी को देख के, हमको ईर्ष्या नहीं होती है किसी भी तरह से, हम किसी भी उसमें मतलब क्या बोल सकते हैं आप, किसी को भी अगर हम देखते हैं या किसी चीज़ में अप्रिशिएट, हम अपने आप ही उस सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं जेलसी करने के, मैं जेलसी नहीं करते हैं अब किसी से भी। और दूसरी बात, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे मेरे कम नहीं है ना, पूरी तरह से चला गया, अभी मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ। उसके बाद में मैं स्टूडेंट्स की मेडिटेशन लेती हूँ, मैंने बच्चों के मेडिटेशन लेना शुरू करे, बच्चों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, मेरे खुद के बेटे को मुझे बहुत मैंने देखा है कि बहुत फ़ायदा हुआ है उसको। उसके क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, सारे मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो 2-3 स्टूडेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं जो कि चित्रांश से भी अच्छा पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैंने एवरी ईयर देखती हूँ कि चित्रांश को ही फर्स्ट रैंक मिलता है, क्योंकि वो मेडिटेशन करता है रेगुलर, मेडिटेशन से उसको बहुत सारे यानी कि जो मेंटली जो है वो स्टेबल रहता है, वो एग्जाम के समय बिना टेंशन लिए वो एग्जाम देकर आता है, आराम से हंसते हुए जाता है, हंसते हुए वापस आता है। तो सबसे बड़ा फायदा मुझे तो जो मैं मेरे बेटे में देख रही हूँ, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा क्लास में फर्स्ट रैंक आए, हर चीज़ में अच्छा रहे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो अभी 11 ईयर्स का है, वो बाइक चला, मेरी गाड़ी जो है वो अपने आप लेके चलाना सीखना शुरू कर दिया और अपने आप चला रहा है वो, और बहुत सारी चीज़ों में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, डरता नहीं है, पहले वो डरता था थोड़ी कुछ चीज़ों से, अब बिल्कुल डरता नहीं है वो कहीं पर भी। और भी हाँ, मेरे हस्बैंड में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पहले वो भी बहुत यानी कि चिड़चिड़े करते थे, हर बात में गुस्सा होते थे, लेकिन अभी हम पूरी फैमिली बैठ के मेडिटेशन करते हैं,
एक फिक्स टाइम किया है हमने, खाना खाने के बाद में सब फ्री हो जाते हैं ना सब काम से, तो उस समय हम तीनों बैठ के मेडिटेशन करते हैं। उस मेडिटेशन से मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी उनकी बहुत सारी टैबलेट्स है वो भी कम हो गई है, जो उनके बाइपास सर्जरी के बाद जो टैबलेट्स चालू थी अभी बहुत सही सारे जो भी टेस्ट है उनके नॉर्मल है और बहुत सारी टैबलेट्स भी उनके कम हो गई है। और भी घर में भी हमारे घर में मेरी जैसे पत्री जी बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पैसा क्यों नहीं मिलेगा बाबा, इस तरह से वो बोलते हैं जो उनका सेंटर है। तो इस बात को मैंने खुद यानी कि अनुभव किया है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम निस्वार्थ भावना से कोई भी काम करते हैं तो अपने आप हमारे पास में सारे पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं और साथ में पैसा भी आता ही है। जो अभी मैं क्लासेस लेती थी, लास्ट 2 ईयर्स से मैं क्लासेस ले रही हूँ, उसके पहले जब मैं क्लासेस लेती थी तो उस समय हमारा जो देखने का नजरिया थोड़ा अलग था। बच्चों को भी हम इन्हें कहकर रहता था कि हाँ ठीक है 2 घंटे आपको पढ़ाना है, हमारा काम है उतना और वहां पे हमारा काम खत्म होता है। लेकिन अब जब से मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ तब से मैं समझ में मुझे ये आने लगा है कि हमको 2 घंटे क्या किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह से वो जो नई पीढ़ी है उसको बिल्डअप करना है। तो अब जो मैं पढ़ाती हूँ, जिस वे मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों बहुत एंजॉय करते हैं पढ़ते समय और बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। पहले का इतना इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे पढ़ने में, लेकिन अभी मेडिटेशन मैं रोज क्लास में मेडिटेशन 10 मिनट लेती हूँ बच्चों का। मेडिटेशन के बाद में वो लोग खुद अपने आप बहुत सारा जल्दी लर्न कर ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके उनके पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन है। और इसके इस कारण से मेरे क्लासेस में स्टूडेंट्स भी बढ़ गए हैं। तो जो आप बोलते हैं ना कि पैसा क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा पैसा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मेडिटेशन से आप सब कुछ मिल सकते हैं आपको। जैसे सुबह टाइम अगर मुझे उसको लेट हो रहा है टिफिन के लिए, तो कभी कभी वो अपने आप टिफिन अपना पैक करके लेके चला जाता है। और अकेला भी अभी इंडिपेंडेंट हो रहा है, अकेला भी रह रहा है, अपने आप पढ़ाई कर रहा है, मेन बात ये है, मुझे देखना नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ एक बार सिर्फ देखती हूँ, रिवाइज लेती हूँ उसका, दिन भर वो अपने आप पढ़ाई करता है और हर चीज में हेल्प करने लगा है अभी, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है मेरे उसका। मैंने जब मुझे मालूम पड़ा कि ध्यान के इतने फायदे हैं, एक बार मैं मेरे घर में बैठी थी मेडिटेशन में, तब मुझे बहुत सारे गुरु दिखे, सारे गुरु मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के। तो उस समय मुझे उस समय एकदम से क्लिक नहीं हुआ, मुझे सारे गुरु दिखे मेडिटेशन करते हुए घर में, जहाँ पे मैंने अभी ये शुरू किया है मेडिटेशन सेंटर शुरू किया है वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने जब वापस मेडिटेशन बैठी तो मालूम पड़ा मुझे कि मेरा एम क्या है, मैं ध्यान में आई हूँ, मेडिटेशन में आई हूँ, एम क्या है मेरा, मैं किस लिए आई हूँ इस मेडिटेशन में। तो उस समय मुझे मालूम पड़ा, मास्टर्स ने मुझे बताया कि आपको यहाँ पे आपके जगह में, यहाँ बहुत सालों से लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में है वो आपको दिख नहीं रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर शुरू करना है। तो उस समय फिर मैंने डिसाइड किया, मैं महाकुंभ से आने को डिसाइड किया कि नहीं मुझे मेडिटेशन सेंटर शुरू करना है। मेरा एक फ्लैट है यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ के सामने, श्रीधर नगर करके है वो जगह, तो वहाँ पर पूरा फ्लैट पर आने के बाद मैंने रिनोवेशन किया पूरी तरह से, मेडिटेशन सेंटर की किस तरह से मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, लाइट्स पूरा उस पर मैंने लगाए अच्छे से, सब पर क्रिएट करके उसको पूरा मेडिटेशन सेंटर के लिए फिर अभी कर रहा है। रोज शाम को मैं लेडीज का मेनली महिला ध्यान अपने इस साल है जो मोटो है वो, तो लेडीज के लिए मेरे कॉलेज जो सोसाइटी के जितनी भी लेडीज है सबको मैं शाम को बुला के मेडिटेशन लेती हूँ। और अगर किसी को रोज नहीं होता है, रोज आने में परेशानी होती है, तो एवरी संडे में शाम को 5 to 6 वहाँ पे मेडिटेशन लेती हूँ। उसके बाद मेरी सोसाइटी जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को शाम का टाइम 6 o'clock के बाद 6 to 7 में मेडिटेशन, यानी 6 to 6:15 तक 15 मिनट्स, फिर 10-15 मिनट्स रोज मेडिटेशन लेती हूँ बच्चों का। और आगे भी मुझे मेडिटेशन में यानी कि हर बच्चे को और हर लेडीज और हर बच्चे को मेडिटेशन आना ही चाहिए। हर लेडीज अगर मेडिटेशन सीख जाती है तो वो पूरी फैमिली को, जिस तरह से हमने बीच में अभियान शुरू किया था शिक्षा अभियान कि अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरे घर को शिक्षित कर सकती है, इसी तरह से अगर महिला हर महिला अगर मेडिटेशन सीख जाती है तो पूरे घर के लोग मेडिटेशन करने के लिए यानी कि तैयार हो जाते हैं और पूरा घर मेडिटेशन करने लगता है। दूसरा एक वेजिटेरियन के लिए, तो बहुत सारे जैसे मैं मेरे घर का एग्जाम्पल बताती हूँ कि मेरे घर के लोग पहले तो जो हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन घर के लोग खाते हैं नॉनवेज, तो मेरे हस्बैंड पहले खाते थे, लेकिन बाद में जब से मेडिटेशन में शुरू हुए करना शुरू किया है उन्होंने, तब से उन्हें धीरे धीरे करके पूरी तरह से वो वेज हो गए हैं। और बहुत सारे लोग जो मेरे एक मेडिटेशन सेंटर में आते हैं उन लोगों का भी ऐसा अनुभव है कि मेडिटेशन में आने के बाद में अपने आप ही उनकी इच्छा नहीं होती है नॉनवेज खाने की। तो इस मेडिटेशन का एक और जो अच्छा पहलू है कि अपने आप ही लोग वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं। और मेरे घर में भी जो मेरे सासू माँ हैं, से पत्री जी बोलते हैं कि उन्हें अपने भाई को छोड़ दिया क्योंकि वो मेडिटेशन नॉनवेज खाते थे, इस तरह से मेरी सासू माँ मेरे बाकी घर के जो है
रिलेटिव्स है, वो लोग नॉनवेज खाते हैं तो हम लोग उससे ज़्यादा संपर्क नहीं रखते हैं, हम लोग उससे जितना हो सके दूर रहते हैं, सिर्फ हाय हेलो तक उतना रखते हैं। तो मेडिटेशन के और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि मेडिटेशन से क्या क्या फायदे हैं। सब कुछ करते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं इजीली, अगर आपको अपनी इच्छा हो, इच्छा शक्ति जरूरी है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप अपने आप टाइम निकालते हैं, जब आपको शॉपिंग करने जाना हो तो आप अपने आप टाइम निकालते हैं और जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आपको कहीं पार्टी में जाना है तो भी आप टाइम निकल के जाते ही हैं। और हम रोज खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं, हर चीज के लिए टाइम निकालते ही हैं, सब कुछ इतना बिजी लाइफ होते हुए। तो मेडिटेशन के लिए भी हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के टाइम निकाल के कर सकते हैं मेडिटेशन। अगर आपको मॉर्निंग में नहीं टाइम रहता है, आपको कहीं जल्दी जाना रहता है या कुछ रहे, तो दिन भर में आपको कभी भी टाइम निकाल सकते हैं। मेडिटेशन का ऐसा फिक्स टाइम नहीं कि आपको इस टाइम ही का आपको मेडिटेशन करना है, और अगर नहीं होता तो आप रात को सोने से पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन किया तो भी बहुत फर्क पड़ता है, और धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए आप उस मेडिटेशन को। यानी शुरुआत में ऐसा होता है कुछ लोगों का कि मेडिटेशन लगता नहीं, ध्यान नहीं लगता, बहुत विचार आते हैं दिमाग में, तो धीरे धीरे करके आप आज जैसे 10 मिनट शुरुआत में 10 मिनट कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट्स करिए, 20 मिनट्स करिए, 25 मिनट्स करते करते धीरे धीरे आप जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे रेगुलर, तो अपने आप आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और आप इजीली आप जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम हो, मैं तो बोलती हूँ आपको रात के समय आपका सारे काम खत्म हो जाते हैं, रात में आपको कोई काम नहीं रहता है, उसके बाद सारे काम खत्म होने के बाद शांति से 15-20 मिनट बैठ सकते हैं, इजीली टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इच्छा होना चाहिए इंसान को करने की। अरे बहुत इफेक्ट होता है ध्यान का, अगर आप मॉर्निंग में ध्यान कर लेते हैं तो आपका दिन भर पूरा रिलैक्स, यानी एनर्जी, इतना एनर्जी रहती है ध्यान करने के बाद में। जैसे आप अगर ध्यान नहीं करते हैं और सुबह उठने के बाद कंटिन्यूस आप अगर काम कर रहे हैं तो आप दोपहर के 1-1.5-2 बजे तक थक जाएंगे, लेकिन आप अगर सुबह मेडिटेशन करते हैं आधा घंटा, उसके बाद आप दिन भर काम करिए, आप बिल्कुल नहीं थकेंगे, आपको वो एनर्जी अपने आप ही मिलती रहती है ध्यान के कारण। दिन भर जो सुबह की जो एनर्जी है वो आपको फुल डे यूज हो सकती है। तो मेडिटेशन अगर आप आधा घंटे भी करते हैं तो आप दिन भर इजीली सभी काम कर सकते हो, फ्रेश रहेंगे, आपको चिड़चिड़ नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा, किसी के ऊपर भी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और किसी को उल्टा सीधा भी नहीं बोलेंगे नहीं, इतना यानी कि ध्यान से एनर्जी मिलती है हमको। और उसके अलावा भी अगर हम रेगुलर ध्यान करें तो हमको बहुत सारी जगह जहाँ पे हम कन्फ्यूज है जैसे कुछ बातें हमको समझ में नहीं आ रही है, कन्फ्यूज है, आप 5 मिनट ध्यान आंख बंद करके 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, 5 मिनट से मेडिटेशन करते हैं तो आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरह से मास्टर्स भी बहुत हमको हेल्प करते हैं हर जगह। मेरा मैं आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस, मैं सुबह सुबह मेडिटेशन करती हूँ और सुबह सुबह मैं क्वेश्चंस करती हूँ, मुझे नहीं मालूम है मैं किससे क्वेश्चन करती हूँ और कौन आंसर देता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हाँ मैं क्वेश्चन करती हूँ और मुझे उसका आंसर मिलता है। तो सुबह सुबह आप मेडिटेशन करके ध्यान करिए, उसके बाद आप दिन भर का प्लानिंग कर सकते हैं इजीली, आपको आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से किससे मिलना है, वो सब आपको पूरा का पूरा ऐसा बायोटा जैसा आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कि आपको आज दिन भर में ये काम करना है। वो कौन बताता है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ कोई ना कोई है, मास्टर्स हैं जो गाइड करते हैं। कोई भी अगर मुझे कभी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे मास्टर्स आते हैं, मुझे ऐसा पिक्चर जैसा पूरा का पूरा दिख जाता है सामने कि मुझे क्या करना है इस तरह से। और जो एक मेरा ऋषिकेश में एक एक्सपीरियंस, ऋषिकेश का एक एक्सपीरियंस है एस्ट्रल वर्कशॉप का, तो उस समय तो मैं नहीं थी, मुझे ज्यादा नहीं मालूम था, लेकिन मुझे 100% विश्वास था कि हाँ जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो मास्टर्स बोल रहे हैं वो सही है। और मैं एस्ट्रल वर्कशॉप में गई, और जब मैं एस्ट्रल वर्कशॉप में जाके बैठती हूँ मेडिटेशन में, तो जो जो भी वो सूचना दे रहे थे, रामाराजू सर थे और बालकृष्ण सर थे उस समय, तो जो भी वो बोल रहे थे, सूचनाएं दे रहे थे या संकल्प कर रहे थे, जिस तरह से भी वो सूचनाएं देते जा रहे थे, उस तरह से जो जो कुछ वो बोलते जा रहे थे वो सब मुझे आंखों के सामने दिखता जा रहा था उस समय। तो वो एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में पहली बार किया था, क्योंकि जब उनने वो सेंटेंस बोला कि सारे के सारे मास्टर्स जहां पे भी हैं हिमालय में बैठे हुए, कई सालों से बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं सुखरूप में, वो सारे के सारे उतर के नीचे आ जाए, जब उनने ऐसा बोला तब मैंने देखा कि हजारों लाखों जो मास्टर्स हैं, जो तपस्वी हैं, जो बैठे हुए हैं वहां पे हिमालय में, एक एक करके धार 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 ऐसे नीचे उतरते हुए दिखे मुझे। तब मुझे समझ में आया कि हाँ सूक्ष्म रूप में कहीं पे कुछ लोग रहते हैं। तो वो तो मेरा आज मैं कभी भी भूल नहीं सकती उस एक्सपीरियंस को, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि हाँ जैसे पहले लोग बोलते थे कि हम कुछ बातें कर रहे हैं तो सूक्ष्म रूप में बहुत सारे मास्टर्स सुनते रहते हैं, लेकिन उस दिन मैंने सब कुछ देखा था अपनी आंखों से, इस तरह से मास्टर्स हर जगह है।
और भी बहुत सारे, जब वो आह्वान कर रहे थे बहुत सारे लोगों को, उस समय वो सब लोग मुझे दिख रहे थे। तब उन्हें बाद में फिर मुझे, मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे सब कुछ दिख रहा था, कुछ वहाँ पे पिरामिड था, एक लक्ष्मी पिरामिड था कुछ, तो वो छोटा सा पिरामिड था, लेकिन बाद में वो मुझे बहुत बड़ा 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 होते हुए पूरा ऐसा कवर कर लिया उसने पूरे हॉल को। तो फिर मैंने जो मास्टर्स थे उससे पूछा कि मुझे ऐसा सा दिखा है, तो उन्हें बोला कि आपका थर्ड आई ओपन है। तो मैंने बोला मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं था कि मेरा थर्ड आई ओपन है, लेकिन जब मैं एस्ट्रल वर्कशॉप में गई उसके बाद मुझे ये सब एक्सपीरियंसेस हुए जो नॉर्मली नहीं होते हैं हमको एक्सपीरियंसेस। जो ध्यान करते हैं उनको ध्यान कंटिन्यू रखना चाहिए, रेगुलर ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते करते बाकी लोगों को भी ध्यान सिखाना चाहिए, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं अपना सभी काम खत्म करके, तो वो हमको सबको ध्यान सिखाना चाहिए। और दूसरी बार हर इंसान को वैसे ऐसा एक दिन ऐसा भारत होना चाहिए, भारत के बाहर भी, कि हर इंसान ध्यान करे, बच्चा हो बूढ़ा हो लेडीज हो जेंट्स हो, हर इंसान को ध्यान करना बहुत जरूरी है। और ध्यान करने से जो अभी प्रेजेंट में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर के अंदर घर के बाहर, वो मुझे लगता है कि अगर हर इंसान ध्यान करने लगेगा तो ये लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाएंगे और सब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहने लगेंगे। थैंक यू।